नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं। और कैसा रहा आज का दिन भर का जो लॉकडाउन के जो हालात थे उसको देखते हुए जो तमाम तस्वीरें देखी गई वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। और जो ऊपर हेडलाइन में हम लोगों ने जो कैप्शन लिखा है कि ये कैसा लॉकडाउन है, और इसमें आप समझ चुके होंगे इसको पढ़ करके कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। और सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ें खुली रहेंगी तो भला ये कैसा लॉकडाउन है। और हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो खुली हैं, खुलने की जो छूट दे रखी है उसको लेकर के हम बता रहे हैं कि क्या इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है, क्या कोरोना वायरस की इससे चैन टूट पाएगी, कोरोना के केसों में कमी आएगी। और इसको हम आधा अधूरा लॉकडाउन कहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तमाम जो शहर में आवाजाही है वो जारी है। ऑटो लेकर के आप देखिए, ऑटो में पांच पांच सात सात सवारियां भर के लोग चला रहे हैं। प्राइवेट टैक्सियों वाले हैं वो ऐसे ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि आधा अधूरा लॉकडाउन इसको मैं मानता हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी दफ्तरों की। उनकी हम बात कर ले कि तमाम जो तरह के सरकारी दफ्तर हैं, कॉरपोरेशन के दफ्तर हैं, वो सब खुले रहेंगे और पूरी हाजिरी के साथ काम करेंगे। इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज में आने वाले हैं काम हैं वो चालू रहेंगे। और इसमें चाहे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, फार्मास्यूटिकल यानी हेल्थ से रिलेटेड सारी सेवाएँ जो चालू रहेंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो चालू रहेंगी। और इसके बाद वेटरनरी यानी पशुओं के अस्पताल खुले रहेंगे, उनकी चिकित्साओं का काम, उनकी दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद एग्रीकल्चर की जो यूनिटें आती हैं यानी कृषि से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं, खाद बीज भंडार, ये सब कृषि से संबंधित जो मशीनरी है, रिपेयर है, मशीनरी जो बनाने वाले लोग हैं उनकी सेवाएँ चालू रहेंगी। तो इसके साथ साथ हम बता रहे हैं कि उनको कोई खास परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब आ जाते हैं किरियाने की दुकान को देखिए, कमाल की बात है ये कि किरियाने की दुकान शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी, यानी 6 बजे तक लोग उन दुकानों से सामान ले सकेंगे। इसके अलावा रात को भी उनको 10 बजे तक होम डिलीवरी अगर जो कोई दुकानदार करना चाहे तो उसमें भी उनके लिए छूट दी गई है। उसको अब उनको इससे समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहेंगी तब आम आदमी सामान लेकर के आ सकता है, तो इससे होम डिलीवरी जो करने वाले लोग हैं उनको क्यों छूट दी गई। और 6 से 10 तक ये जो रही दुकानें बात खुली रहेंगी। इसके बाद आ जाते हैं मत्स्य पालन खुला रहेगा, पशुपालन खुला रहेगा, दूध की दुकानों को यानी डेयरियों को भी 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। बैंक खुले रहेंगे, बैंकों पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा जो गांव में मनरेगा के तहत जो काम होते हैं उनको करने की इजाज़त दी गई है, मनरेगा में मजदूर अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़कों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो निरंतर चलते रहेंगे। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट पर कि ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। मान लिया जो बाहर से सरकारी और प्राइवेट बस हैं उसमें एक सीट छोड़ करके एक सीट पर बैठने की इजाजत है, लेकिन ऑटो वाले जो हैं या फिर टैक्सी वाले हैं जो काम करते हैं जिससे में ऑटो में एक ड्राइवर और 2 सीट पर बैठने की उनको इजाजत है, टैक्सी में भी ऐसे ही है कि 2 लोगों को बिठा सकते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर धड़ल्ले से ऑटो भी 8-8, 10-10 सवारियां भर के चल रहे हैं, टैक्सी वाले भी ऐसे ही भर के चल रहे हैं। तो ये कैसा लॉकडाउन है? और हम बता रहे हैं कि भाई इसके अलावा क्या खुला रहेगा, तमाम तरह के जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर पाएंगे, उनको अपने ढाबे पर बैठा के खिलाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और अगर कोई रेडी वाला है, गोलगप्पे वाला है, चाट वाला है, कचौड़ी वाला है, अगर जो वो रोजगार चला रहे हैं और उनको लगता है कि भाई हमारे पास मेन पावर है होम डिलीवरी करने की, अगर जो उनके अंदर पावर है जोमेटो के साथ वो डिलीवरी कर सकते हैं, तो हालांकि वहां पर परमिशन लेकर के उनको ये काम चालू रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि उनको
बैठा के खिलाने की इजाज़त नहीं है। और अंतिम संस्कार की बात कर लेते हैं कि 20 से ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे। शादियों की बात कर लेते हैं कि शादी अगर जो इंडोर हो रही है तो 30 लोग, और शादी अगर जो बाहर खुले में है तो 50 लोगों को परमिशन है। और आटा चक्की खुली रहेंगी तो जाहिर तौर पर एसेंशियल सर्विस में आती है ये। और आटा चक्कियाँ अब चाहे वो राइस मिल हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, सरसों का तेल हो, तेल निकालने की जो यूनिट है और दालें बनाने वाली जो यूनिट है वो सब निरंतर चलती रहेंगी। अब होटल और रेस्टोरेंट, होटल 24 घंटे खुले रहेंगे। जिनके घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनके जो सामान यहाँ आता है बिल्डिंग मटेरियल का, जिस तरह से बालू, रेत, बजरी, सीमेंट, रोड़ी और ईंट, उनका सामान ले जाने की परमिशन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ही लोगों पे ये छोड़ता हूँ कि अगर जो ऐसा ये कैसा लॉकडाउन है जो कंफ्यूज करने वाला है, जिसमें आप मान लीजिए बाजार में क्या बंद रहेगा, बेकरी बंद रहेगी यानी मिठाई की दुकानें, जो दुकान है दूध की वो खुली रहेंगी, सब्जियां दुकान की दुकानें वो खुली रहेंगी, बीज की दुकानें खुली रहेंगी, पेस्टिसाइड खुली रहेंगी, किराने की दुकान खुली रहेंगी, खाद बीज भंडार है वो खुले रहेंगे, डेरियां खुली रहेंगी। अब बंद क्या रहेगा वो बता रहे हैं, कपड़े की दुकानें बंद रहेंगी, बर्तन की दुकानें बंद रहेंगी, हेयर ड्रेसर जो है वो सैलून का काम है, ब्यूटी पार्लर है वो तमाम बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बंद रहेंगी। अब आप तय कीजिए कि जो लॉकडाउन लगा है क्या उससे कुछ असर होने वाला है, इससे कोरोना को कैसे रोक पाएंगे। और ये बड़ी पशोपेश वाली स्थिति है, क्योंकि देखिए एक दुकानदार तो रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकता है, और एक आदमी जो गरीब आदमी है उसको खाने के भी लाले पड़े हैं। मान लिया अगर दुकान खुली रहेंगी तो जाहिर सी बात है लोग भी सामान लेने के लिए निकलेंगे, जब लोग निकलेंगे तो फिर संक्रमण फैलने से कहाँ बचेगा, कहाँ ये चैन टूट पाएगी। और आवाजाही पर प्रबंध लगना चाहिए, जिस तरह पिछली बार किया गया था कि सुबह जिस तरह 10 से 11 बजे तक की जो दुकानें खोलने की इजाज़त थी उसके बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता था। और अब आप ये बताइए कि इंडस्ट्री पूरी तरह से खोल दी गई है, इंडस्ट्रियों को पूरी तरह से खोल दिया गया, ये कौन सा बताइए कैसे संक्रमण रुकेगा इससे। और उसमें जो वर्कर है, हालांकि आने जाने वाले जो है वो उनको आवाजाही चालू रखी है उनकी, और हालांकि उनको सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी अपने वर्करों को काम करवाने के लिए, पास बनवाने पड़ेंगे और पास बनवाना उनके लिए अनिवार्य है, लेकिन आवाजाही तो चलती रहेगी ना। क्या इससे संक्रमण रोक पाओगे आप, कैसे ये चैन टूट पाएगी। और यह लगाइए कि होम मटेरियल की जो सभी दुकानें जो खुली रहेंगी 50% के साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो चलता रहेगा, तो यह समझा जा सके, ये मेरी तो समझ से परे है कि ऐसा जो लॉकडाउन लगा है तमाम जो रोड पे, आप भी खुद दर्शक हैं जितने भी आप अगर जो बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को भी लगता है कि कहीं था ऐसा कोई मंजर पिछली बार। पचास % ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा तो समझो लोगों को कहा जा रहा है कि आप घरों में कैद रहिए, घरों से नहीं निकलिए, ऐसे कौन घरों के अंदर रहेगा जब तक प्रशासन जो है वो सख्ताई से कड़ाई से पेश नहीं आएगा, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। कि पिछली बार की बात कर लगाइए कि पिछली बार हर गांव, शहर, चौक, चौराहे सब सील कर दिए गए थे, आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लोगों से पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, चेक किया जा रहा था कि आप बगैर मतलब तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, और अगर जो उनको लगता था कि भाई ये बेफालतू में घूम रहा है तो उसको घर वापस भेज दिया जाता था। और अब की बार ऐसा कुछ शहर या गांव में कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, तो ये प्रशासन से भी हमारी गुहार लगेगी कि भाई ऐसा जो ऐसी वैश्विक महामारी है इससे तो नहीं बच पाएंगे हम लोग, ऐसे आपको थोड़ा सा कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सख्ताई की जरूरत है, क्योंकि देखते हैं हम लोग भी पूरा दिन कवर करते हैं, खबरें कवर करते हैं और हालात ज्यादा खराब हैं।
और जितने भी दर्शक हमारे हैं एक बार जो जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार इस खबर को एक बार जितना भी शेयर कर सकते हैं ताकि प्रशासन तक भी ऐसी जो है वो खबरें पहुंचे कि भाई लोग, हालांकि अब की बार लोग खुद डरे हुए हैं, सरकार ने लॉकडाउन भले ही लगाया पर यह लोगों की खुद की पहले से इच्छा थी कि सरकार लॉकडाउन लगाए और उस पर काम करे, पर कुछ थोड़ी सी जो छूट दी जा रही है वो गलत है। ऐसे जो ये छूट आवाजाही पर, सबसे पहले तो आवाजाही पर रोक जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर जो मान लिया आप किराने की दुकान है या बाजार खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट 50% खुला रहेगा, और वो अगर जो ट्रांसपोर्ट मेन चीज है कि ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दोगे थोड़े दिन, तो उसमें लोगों की जब आने जाने की सुविधा नहीं होगी तो वो कैसे जा पाएंगे। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और दूसरा नंबर इनको भी पुलिस जो विभाग है उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि पुलिस विभाग थोड़ा सा कड़ाई से पेश आए, और जो ये ट्रांसपोर्ट में ऑटो हैं, टैक्सियां हैं, जो प्राइवेट टैक्सियां चल रही है उसमें 8-8, 10-10 लोगों को भर के लेके जाया जाता है, उन पे पाबंदी लगाइए कि आप 1 से 2 सवारियां बिठाने की उनको इजाजत है। उसके बाद भी ये धड़ल्ले से चलते हैं ऐसे ही, और हालांकि एसपी और जो डीसी के द्वारा आदेश भी दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि कल हम लोग जिला प्रशासन की टीम निकली थी और ऐसा कुछ जो है लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन हम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि तमाम सारी चीज़ें खुली हुई है और खुलने की इजाज़त दी हुई है, दुकानों को खोल रहे हैं, और समझ लोग खुद कंफ्यूज हैं कि भाई क्या खुला रहेगा क्या नहीं खुला रहेगा, उसको लेकर के एक जिला प्रशासन को भी थोड़ा सा क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा, चाहे टीवी के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो। पड़ोसी जिले हैं उनमें 2-2 बार 3-3 बार दिन में डीसी और एसपी ग्राउंड पे निकलते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम जानकारियां हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, वो सारी चीज़ें बताई जाती है उनकी तरफ से, लेकिन पानीपत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और खुद से आपको अगर जो अपने अपनी और अपने परिवार के लोगों की जो जान है वो बचानी है तो खुद एक बार आपको घर में, घरों के अंदर कैद रहना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हम खुद हम दुखी हैं और हमारी भी मजबूरी है कि भाई हम बीच में ग्राउंड में रह करके आप लोगों तक खबरें पहुंचाएं कि क्या स्थिति है तमाम जो शहर की, वो हमारी भी मजबूरी बनती है, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन आप लोगों को एक बार खुद अपनी स्वेच्छा से ये तय करना पड़ेगा कि भाई ऐसे जो हालात हैं उसको काबू करने के लिए अनावश्यक तरीके से गैर जरूरी जो काम है वो ना करें और बाहर घर से ना निकलें। और हमारी गुजारिश है फिर से प्रशासन को कि भाई एक बार थोड़ा सा जरा कड़ाई से पेश आइए ताकि ऐसी जो वैश्विक बीमारी है इससे बचा जा सके। और कुछ दिन के बाद है, जिंदगी तो सारी उम्र ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ दिन के बाद फिर जैसा आप छूट चाहें मिलती रहेगी आपको, लेकिन फिलहाल जो है ऐसी हालात है कि इसमें डरना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। और हल्के में ना लें, ऐसी बीमारी है क्योंकि हमारे साथी है तमाम जो जगह से हमारे पास भी फीडबैक आते हैं और लोग बताते हैं कि भाई खुद हमारे एक साथी पत्रकार थे समालखा से, सत्यप्रकाश सैनी जी, उनका भी कल निधन हो गया, और हालांकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पे मैसेज दिया था कि भाई अपना बारे में बताया था, लोगों को भी जागरूक किया था कि भाई आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, बचिए, अब की बार बड़ा जो दोबारा से ये नया स्ट्रेन के साथ आया है और अब की बार ज़्यादा जो है वो मौतें हो रही हैं इसको लेकर के, और उन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया था कि एक गाने के जरिए कि भाई थोड़ा सा हौसला भी बना के रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा जो इसमें लोग हैं कि स्ट्रेस में चले जाते हैं और ऐसा स्ट्रेस में नहीं आना है, दिल और दिमाग को थोड़ा सा आउट करके और इस जो बीमारी है इससे बचा जा सकता है, माइंड में मत रखिए चीजें, कुछ आप हौसला बना के रखिए। और जो तमाम चीज़ें होंगी और जो जैसी भी गतिविधियां रहेंगी हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे और आप पे हमारी सिटी तहलका की टीम की तरफ से भी आपसे ये अपील है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए,
सतर्क रहिए, अपने यार हैं, प्यार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इस बारे में बताइए कि भाई, और आप खुद बचिए। अगर जो कहीं शादी है तो अगर जो ज़्यादा ही ज़रूरी है तो उसमें प्रिकॉशंस के साथ आप जाइए, और अगर जो अनावश्यक है तो आप उससे बचिए। फिलहाल फिलहाल के लिए आप जितने भी दर्शक हैं, 200 से ऊपर 264 दर्शक, हम एक एक शेयर आप जरूर कीजिएगा ताकि जो प्रशासन तक भी ये पहुँचे। और हालांकि गृह मंत्री की तरफ से जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, पानीपत के अंदर जो एक 500 बेड का अस्पताल बनाया जाना था उसका भी काम जोरों पर है, तो धीरे धीरे खैर हालात ठीक हो रहे हैं, भगवान अच्छा करेगा। और बने रहे हमारे साथ में, और हमाम जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हम आपके बीच में शेयर की, और क्या क्या आप इसके बारे में सोचते रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं जुड़े हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करिए। छोटे दुकानदारों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि हमारे दर्शक हैं वो लिख रहे हैं कि जो क्या बंद रहेगा, बोला गरीब आदमी की का मुंह बंद रहेगा, बाकी जो पैसे वाले हैं उनकी दुकानें चलती रहेंगी, तो ये वाजिब है। पर क्या करें कि ऐसे हालात हो गए कि आदमी आदमी से अब डरने लगा है कि भाई बाजार में निकलेंगे, हर कोई आदमी दूसरे को संदेह की नज़र से देखता है कि भाई ऐसे इसका कोरोना तो नहीं है। सोचना सही है, हालांकि अच्छी चीज़ें हैं। और वाइन शॉप पे आप कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि वाइन शॉप का क्या, तो आज एसपी साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उनसे पूछा गया था कि तमाम जिले के अंदर जो वाइन की शॉपें हैं वो खोली गई हैं, तो उस पर उन्होंने बताया कि शाम तक हमारे पास जो ऊपर से चंडीगढ़ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद, क्योंकि अभी आदेश ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, स्पष्टीकरण उनकी तरफ से क्लियर नहीं है, तो शाम तक उसका इंतज़ार कीजिए कि भाई क्या वो रिपोर्ट आती है, क्या ये खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। और इसको हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंद रहने के जो है आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी स्पष्टीकरण नहीं है, शाम तक वो आदेश आ जाएंगे। एक साथी हैं, उनका कमेंट आ रहा कि स्टोव 5G ऐसी वजह से ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या आपका खुद का मत हो सकता है, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि 5G का स्टेन है, ये है, और ऐसी अफवाहें भी हैं, और इनसे आप अफवाहों से भी बचिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो आप कुछ नहीं कह सकते, और हुमर भी हो सकता है ये। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।